अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वेजिटेबल समोसे की रेसिपी। तो रमज़ान से पहले की शूट हुई हुई है लेकिन मैं मसरूफियात की वजह से अपलोड नहीं कर सकी। तो सबसे पहले हमने पैन में ऑयल ले लेना है और यहाँ मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। आपकी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी ऐड करें अपनी लाइकिंग के हिसाब से। मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, उसको स्लाइस कर लिया था, वो ऐड करी। उसके बाद मैंने इसमें गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर दी है और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी कि सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सौगी हो जाए, कच्ची कच्ची सी ना रहे। फिर इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे काले मिर्च 1 टी स्पून भर के। आप चाहें तो काले मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ इसकी क्वांटिटी को मिनिमल रखा है। फिर यहाँ मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया और चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं, इसीलिए मैंने काले मिर्च की जो क्वांटिटी है उनको मिनिमल रखा था। तो इससे जलन भी नहीं होगी और ये लाइट रहेंगे इफ्तार के टाइम पर। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और मज़ीद पकाएँगे 1 मिनट के लिए सारे मसाले को मिक्स करने के बाद। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और मैंने पहले से चिकन को उबाल के श्रेड कर लिया था तो मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमारी फिलिंग हो चुकी है रेडी। हम चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जैसे ही हमारी फिलिंग ठंडी हो जाएगी हम अपने समोसा पट्टी में इसको फिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रोल में भी फिल कर सकते हैं, उस वक्त मुझे समोसा पट्टी ही मिली थी तो मैंने इसको समोसा पट्टी में ही बना लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और इसी तरीके से हम सारे समोसा फिल कर लेंगे और इनको हम कर देंगे फ्रीज़। बस इफ्तार से पहले निकाले, झटपट फ्राई किए और सर्व कर दिए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी और आसान सी एक और रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।